कि केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है और अगर एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आती है, दोनों का तालमेल अच्छा होगा और जब तालमेल अच्छा होगा तो क्षेत्र के विकास ज्यादा होंगे। क्या हुआ, इन लोगों से नालियां तक साफ नहीं हुई, सड़कें इनसे साफ नहीं होती। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पांडव नगर का निवासी हूं, 42 साल से पांडव नगर क्षेत्र में रहता हूं। देखिए, जो पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल की सरकार ने ईडीएमसी को पंगू बना के रखा हुआ था, ईडीएमसी में सैलरी देने के लाले पड़े हुए थे सिर्फ केजरीवाल की अराजकता के कारण। दोस्तों, मैं आपका साथी संदीप सपोर्ट ह्यूमैनिटी से, मैं हूं आज पांडव नगर वार्ड 200 में। जैसे कि आप सभी को पता है, एमसीडी के चुनाव सर पर है और जोर शोर से हर पार्टी हर उम्मीदवार अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तो पांडव नगर वार्ड 200 में आज मैं हूं और यहां से आप पार्टी से यहां से उम्मीदवार है विजय सिसोदिया जी, सोनू जी, जो कि मेरे साथ है प्रचार करते हुए। जानते हैं इनसे इस बारे में किस तरह के इनमें जोश है, क्या इनकी सोच है। सोनू जी, विजय जी, आपके यहाँ से आपकी पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो मुझे बताएंगे आप किन बेसिक मुद्दों के ऊपर आप जो है वोट मांगने जा रहे हैं या पब्लिक से, मतलब किस तरह की आप कन्वेंसिंग और क्या आपका प्लान है पांडव नगर वार्ड के बारे में? पांडव नगर के मुद्दे तो मुझे पांडव नगर की जनता ही बता रही है। जिस घर में भी जाके हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, पांडव नगर की जनता बता रही है कि यहाँ कूड़े का बुरा हाल है। 15 साल से यहाँ कोई कूड़ा उठाने नहीं आता, हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। तो लोग ही मुझे मुद्दे दे रहे हैं कि जी हमें बदलाव करना है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हर गली हर दूसरे मोहल्ले में यही सुनने को मिलता है कि कूड़े की कोई सफाई नहीं है, 15 साल से बुरा हाल है, इस बार मौका केजरीवाल जी को देना है। मुद्दे पब्लिक दे रही है, जनता दे रही है, पब्लिक दे रही है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछूंगा, हम आपको वोट क्यों दें? मैंने बताया ना, पब्लिक ये कह रही है कि हमने दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी को वोट दिया तो दिल्ली सरकार में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, माताओं बहनों के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, सब क्षेत्र में केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। तो इस बार हम दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हें परख चुके हैं, जांचते हैं, उन्हें देख चुके हैं 2 बार। तो दिल्ली की जनता इसलिए वोट देगी हमें क्योंकि काम किया है, तो भरोसा करते हैं। सोनू जी, जोश कैसा देख रहे हैं आपको, आप जा रहे हैं जो आप सभी लोगों से मिल रहे हैं? मैंने कहा ना, जोश मुद्दे अगर जनता दे रही है तो नेचुरल सी बात है जोश वही है। जनता जाते ही कहती है कि बदलाव करना है, तो हमें पूरी बात कहने के मौका भी नहीं देती। अगर हम कहते हैं कि बदलाव, वो कहते हैं हमें इसलिए करना है कि हमारी गली मोहल्ले हर जगह कूड़े के ढेर हैं। दिल्ली की पहचान कूड़ा बना दी है, जब गाजीपुर से एंट्री करते हैं वो बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखता है। कोई हर जगह हर स्टेट की पहचान होनी चाहिए, तो हमारी पहचान बन के रह गई है कूड़े का पहाड़, तो उससे बदलाव करना है। कूड़ा मुक्त दिल्ली हो, कूड़ा और साफ सफाई, ये अब बेसिक मुद्दा नहीं, इसके साथ ये तो है ही, स्वाभाविक से बात है, एमसीडी का काम ही साफ सफाई करने का, तो ये स्वाभाविक मुद्दा है हमारा। लेकिन साथ साथ में एक और मुद्दा भी है कि केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है और अगर एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आती है, दोनों का तालमेल अच्छा होगा और जब तालमेल अच्छा होगा तो क्षेत्र के विकास ज्यादा होंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार सभी से पूछना चाहूंगा, हाउ इज द जोश? हाई हाई, कितना हाई, आवाज से एहसास नहीं हो रहा, बहुत तेज हाई। चलो ठीक है, हम विजय जी को जो है अपनी तरफ से शुभकामना देंगे कि जिस तरह से घर घर जाके वो प्रचार कर रहे हैं, तो पांडव नगर वार्ड 200 में एक पूरा ही एक गर्म जोश है। सभी उम्मीदवार ने खोखला कर दिया एमसीडी को, अब उसको तो उभारना पड़ेगा ना केजरीवाल जी को भी। देखिए, हम पूरी तरह से आपको देख रहे हैं वार्ड 200 में जिस तरह का जोश है, आप देख सकते हैं आपके सभी कार्यकर्ता अपने सिंबल झाड़ू के साथ और पूरी सफाई के लिए पूरी प्लानिंग के साथ हमारे बीच हैं, तो हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, मैं संदीप सपोर्ट ह्यूमैनिटी से, जय हिंद जय भारत। पहचान के रूप में हो गई है मेरा सभी से।